नमस्कार एग्जाम राज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोग बता दूं यूपीएससी के अकॉर्डिंग जितने भी फॉर्म फिलअप किए जाते हैं ओटीआर के थ्रू, जो फोटो साइन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे। यहां पर हम बता दें जो आपको फ़ोटो अपलोड करना होता है वो जो है 20 से 300 KB के बीच आपका अंदर होना चाहिए, और यहाँ पर जो साइन होना चाहिए वो भी 20 से 300 KB के बीच अंदर होना चाहिए, 200 पिक्सल का होना चाहिए। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो भी लगभग इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट अपलोड होना चाहिए जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपका दर्ज, जो भी आप आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी अपलोड करेंगे वो भी आपका 20 से 100 KB के बीच अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों अब अगर आप जो फॉर्म को फिलअप करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम आपकी आती ये है कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाता, और लेकिन यहाँ पर पॉपअप आ जाता है कि आपका 20 KB से कम है या 20 KB से आपका अधिक है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो और ये 20 KB से कम या ज़्यादा अगर बना भी लेते हैं तो ऐसी स्थिति में फोटो साइन अपलोड करते समय पिक्सल की प्रॉब्लम होती है, तो आपको इसका ही सॉल्यूशन आपको बताएंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ये पीसी में जाना है, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही यहाँ पर मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ, आप उसी प्रक्रिया को फॉलो करिए, 100% इसका जो फ़ोटो और साइन अपलोड कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट आपका 20 से 300 KB के बीच अपलोड कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इससे इस प्रिंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा न्यू पेज दोस्तों ओपन हो जाएगा प्रिंट का। वहाँ पर हम बताएंगे फ़ोटो और साइन कैसे अपलोड, कैसे बनाना है और कैसे अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है, तो मैं यहाँ पर दोस्तों इस तरीके का पेज पेंट का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ओपन करेंगे, जहाँ पर भी आपने फ़ोटो या साइन लिया है, पहले हम फोटो बना के बताते हैं किस तरीके का फोटो बनाया जाता है। जैसे कि हमने फ़ोटो अपलोड ले लिया, फिर उसके बाद होम पेज आएंगे, यहाँ पर रिसाइज पर क्लिक करेंगे। रिसाइज पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है, यहाँ पर पिक्सल का ऑप्शन है, यहाँ पर पिक्सल आपको जो पिक्सल पर क्लिक करके उसको चेक अनचेक कर दीजिएगा। यहाँ पर 350 लिख दीजिए और यहाँ पर भी 350 लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करें। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं लिखते हैं यहाँ पे 350 और इसको अनचेक मार नहीं करते हैं, तो ऐसी इसके वर्टिकल जो है यहाँ पर चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर अनचेक करिएगा तभी आप इसको लिख सकते हैं 350 350। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 350 आपका फोटो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लिखिएगा और वर्टिकल भी 350 लिख करके ओके पे क्लिक करिएगा। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे या इस फाइल को फिर उसके बाद सेव कर लेंगे। जैसे जो ये इस फाइल को सेव करेंगे ये आपका 20 से 300 KB के बीच अंदर और जो भी पिक्सल के क्राइटेरिया हो उस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा और यह आसानी से आपका अपलोड हो जाएगा। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आपको इसी तरीके से फाइल पर जाना है और ओपन करना है साइन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भी साइन ओपन हो जाएगा। साइन को भी इसी क्राइटेरिया के अनुसार आपको बना लेना है, नहीं तो आपका साइन भी अपलोड नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों हम बताते हैं साइन को किस तरीके से बनाना है। साइन ओपन हो चुका है दोस्तों, रिसाइज पे क्लिक करिएगा। रिसाइज पे क्लिक हम पिक्सल पे क्लिक करेंगे, पिक्सल के हम मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पर दोस्तों जो हॉरिजॉन्टल वो भी 550 की, वर्टिकल भी ये भी 550 की, अनचेक करने के बाद ही यहाँ पर दोनों मेंशन कर सकते हैं। जब तक आप अनचेक रहेगा, चेक मार्क रहेगा, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये नीचे का रेशियो बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या कर दें बता दें कि इसको क्या करना है दोस्तों, 450 रखिएगा, यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ 550 कर देंगे, और इसको 550 पिक्सल पे अनचेक करके कर लीजिएगा, फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे ये फाइल आपका इस तरीके का जो भी क्राइटेरिया है बताया गया है 350 × 1000 के बीच के पिक्सल का होना चाहिए, तो अभी 550 किया है तो आसानी से ये इसको सेव करके अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आपका इस आप तरीके का ऑप्शन खुलेगा दोस्तों हम बता दें आपको यहाँ पे जो फोटो का पिक्सल रखना है 350 × 350 रखिएगा, और प्रिंट में इसी तरीके से आपको 550 550 जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों रख करके इस पेंट में सेव कर लीजिएगा। जैसे सेव करेंगे यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके अब यहाँ पर देख लीजिएगा जो फोटो आपका बना है वो लगभग 26 KB के ऊपर 20 से 26 KB के बीच बनना है, तो आपका आसानी से अपलोड हो जाएगा। उसी तरीके से आपका साइन भी 20 से 26 KB के 30 KB के बीच बना है वो भी अपलोड हो जाएगा, और फिर उसी तरीके से आपको आप डॉक्यूमेंट आपको PDF फॉर्मेट बनाना आता ही होगा, और वहाँ से आपको क्या करना है 20 से 300 KB के बीच आपका आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, आसानी से अपलोड हो जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।